अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े की जल फ्रेजी कढ़ाई। नई रेसिपी है ये, मैंने थोड़ा सा अपना सोचा कि किस तरह कुछ डिफरेंट आप लोगों के लिए बनाया जाए, थोड़ा सा चिकन से हटके भी कुछ होना चाहिए, तो आज हम इसको बनाएंगे मटन में। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे मटन में 10-12 मिनट के शो में, तो बिल्कुल मटन में बनेगा और आप भी ये कर सकते हैं जो मैंने किया है। मैं इसको बनाऊंगी मटन को बॉईल करके। यहाँ पर मैंने 1/2 किलो मटन लिया था और उसको हमने बॉईल कर दिया है। कुछ भी नहीं डाला मटन में, नथिंग एट ऑल, नो नमक, नो अदरक लहसुन, नो काली मिर्ची, नथिंग। सिर्फ प्लेन पानी के साथ इसको हमने 40-45 मिनट्स के लिए बॉईल कर लिया। मटन आप कौन सा लेंगे? आई पर्सनली प्रेफर कि जब आप मटन लेने जाएं इस तरह की किसी चीज़ के लिए, तो आप जो है वो रान और दस्ती का जो गोश्त होता है, अगर आप अपने गोश्त वाले से कहें कि वो आपको रान के और दस्ती के पीसेस बना कर दे, तो वो गोश्त भी अच्छा होता है और टेंडर भी जल्दी हो जाता है और सॉफ्ट भी जैसे बन जाता है। अब हम जाल फ्रेजी कढ़ाई कैसे बनाएंगे? जाल फ्रेजी आपको पता है कि एक ये वो वर्जन मैं बना रही हूँ जो एक थोड़ा सा इसको एक मटन की कढ़ाई को हम एक ट्विस्ट दे रहे हैं, रादर देन वही हम मसाले डालें, तो इसको हमने सोचा कि थोड़ा सा डिफरेंट करके बनाते। इसको हम किस तरह बनाएंगे वो मैं अब आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम चूल्हा ऑन करेंगे। चूल्हा ऑन करने के बाद हम डालडा कुकिंग ऑयल अपनी वॉक में डालेंगे। जहाँ मामता वहाँ डालडा, हम सबको पता है ज़्यादा बरकत ज़्यादा बचत। तो मैं 1/2 कप हमने डालडा कुकिंग ऑयल ले लिया। इसमें हम ऐड करेंगे, और बहुत जल्दी और थोड़ी सी इन्ग्रीडियंट से मैं इसको बना रही हूँ, प्याज, एक प्याज फाइनली स्लाइस्ड। इसको हम फ्राई करेंगे। बहुत जल्दी ये इसलिए भी बनेगी बिकॉज ऑब्वियसली आपको पता है मैंने मटन को बॉईल कर रख दिया है। आप इसको चिकन में भी बना सकते हैं, आप अंडरकट की बोटियों के साथ भी, अगर आपके घर में बीफ शौक से खाया जाता है तो आप इसको बीफ भी जाल फ्रेजी कढ़ाई भी बना सकते हैं। ये देखें अच्छे से गोल्डन हो गया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी टोमेटो का पेस्ट। अब हम इसमें ऐड करेंगे सीजनिंग। सीजनिंग में मेरे पास है भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, ये जाएगा 1 टेबलस्पून। काली मिर्ची जाएगी 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्चें जाएंगी 1 टीस्पून। ये मिर्चें आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। नमक 1 टीस्पून और टोमेटो केचप यहाँ पर मेरे पास है 2 टेबलस्पून। ये डालने के बाद इसको हम और थोड़ा सा भूनेंगे। भून के लास्ट में फिर हम इसमें डालेंगे अब बॉईल किया हुआ मटन। मैंने आपको बता दिया हमने मटन में कुछ भी नहीं ऐड किया है। मटन डालने के बाद फिर हम इसको थोड़ी देर ढककर और अच्छे से पकाएंगे। आखिर में इसमें हम वेजिटेबल्स डालेंगे। जब तक ये भून रहा है हम थोड़ा सा ये अपने मसालों को एक साइड पर कर देते हैं, ताकि फिर हम इसमें अपने वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। ये मेरे पास हरी मिर्चें हैं, अदरक है, कैप्सिकम है, धनिया है। ये देखें इसका कलर माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा आया है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ मटन, बॉइल्ड मटन। ये 1/2 किलो मटन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हाफ हाफ अपना सारी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। 1/2 हरा धनिया मतलब 1 चम्मच, 1 चम्मच अदरक की पतली कटी हुई जूलियन, बाकी मैं ऊपर गार्निश के लिए रखूंगी। कैप्सिकम पूरी और हरी मिर्ची 1/2। अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम ढक देंगे ऊपर से, जब जिस पे दम आ जाएगा। 1 चम्मच मैं इसमें ऊपर से ऐड करूंगी गरम मसाला पाउडर, उसकी खुशबू बहुत अच्छी होगी। अब हम क्या करेंगे, अपना प्लेटर यहाँ पर सेट करेंगे।
जालतेजी कढ़ाई बन रही है, तो हम इसको कढ़ाई में सर्व करेंगे। ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट नेसेसरी एट ऑल, बट मैं आपको बताती हूँ कि इस तरह की आप छोटी छोटी चीज़ें करेंगे तो अच्छा लगेगा। यहाँ पर हमने इसी के मैचिंग एक प्लेटर में एक चावल का मोल्ड बना लिया है। बहुत आसान तरीका है, किसी भी प्याले में आप चावल डालकर उसको ज़ोर से प्रेस करके एंड जस्ट ओवर टर्न इट इनटू योर प्लेटर, तो वो एज इट इज़ निकल आते हैं। कोई ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये आराम से हो जाता है। दो तरीक़ों से मैं आपको बताऊंगी इसको सर्व करना। एक हम सिर्फ कढ़ाई में निकालेंगे और एक सिंगल सर्विंग हम बनाएंगे विथ दिस मोल्ड ऑफ राइस, ठीक है। और ये जो हमारी टॉपिंग्स हैं ये ऊपर से जाएंगी, गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून जाएगा। इतनी देर हम इसको पकाएंगे, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कलर भी खूबसूरत है और बस तेल ऊपर आ जाए। कैप्सिकम जो है वो सौगी नहीं करनी, ठीक है। हाफ टी स्पून मैं इसमें ऐड करूँगी गरम मसाला पाउडर, मिक्स नहीं कर रही, बस सिर्फ डाल के और छोड़ दूंगी। चलें इसको अब हम देखते हैं कि ये बनकर कहाँ पहुंचा है, कितनी तैयारी हो चुकी है इसकी। बिल्कुल ये देखें, बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखें तेल ऊपर आ गया और ये ग्रेवी आप देखो कितनी है, कोई ज़्यादा ग्रेवी नहीं है। जिस तरह जालफ्रेजी होती है ये एग्जैक्टली उसी तरह है। मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं बिकॉज ऊपर हमने गरम मसाला डाला। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। कैप्सिकम की, गरम मसाले की बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। अच्छा मैं थोड़ा सा इसमें इस तरह करूँगी कि इसमें एक नज़र आना चाहिए, तो एक बोनलेस पीस हम इसमें डालेंगे, एक चॉप्स डालेंगे मिक्स करके, ताकि वो सिंगल सर्विंग है ना तो अच्छा लगेगा। दिस इज़ अगेन इंटायरली अप टू यू, आप इसको किस तरह सर्व करना चाहते हैं। लगता बहुत खूबसूरत है इसलिए मैंने सोचा मैं आपको ये बता दूं कि इस तरह भी सर्व कर सकते हो। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। ये हमारी जालफ्रेजी कढ़ाई बनकर तैयार है। ये हो गई हमारी जालफ्रेजी कढ़ाई रेडी। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे रिमेनिंग हरा धनिया, हरी मिर्ची थी और अदरक, उसको हम इसके ऊपर गार्निश कर देंगे। अदरक मस्ट है, ठीक है, अदरक बहुत अच्छे से डालिएगा। अदरक वैसे भी हम सबको पता है इट्स वेरी गुड, और जालफ्रेजी में तो बिल्कुल ही ये अदरक के बगैर जालफ्रेजी इज़ इनकम्प्लीट। हरी मिर्ची जो बची हुई थी हमारी स्लाइस हुई। आई होप ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। जालफ्रेजी कढ़ाई बनकर यहाँ पर बहुत मज़े की लग रही है, साथ ही खूबसूरत भी लग रही है, तैयार हो चुकी है।